राजस्थान का लोकसभा चुनाव इस बार दिलचस्प मोड़ पर आ गया है। सभी पार्टी के नेता एक के बाद एक चुनावी दांव खेल रहे हैं। बात करें राजस्थान की बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट के बारे में, तो इस लोकसभा चुनाव में बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट हॉट सीट बन चुकी है। बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट पर इस बार त्रिकोणीय मुकाबला होने वाला है। कांग्रेस, बीजेपी और निर्दलीय प्रत्याशी चुनावी रण में उतर चुके हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं निर्दलीय मैदान में उतरे उम्मीदवार रविंद्र सिंह भाटी के बारे में। रविंद्र सिंह भाटी बेबाक नेता हैं और उन्होंने 26 साल की उम्र में ही राजनीति की दुनिया में अपना नाम बना लिया। रविंद्र सिंह भाटी ने 2019 में राजनीति में कदम रखा और विजय विगुल बजाया। भाटी बाड़मेर के एक छोटे से गांव के रहने वाले हैं। इनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। भाटी के पिता पेशे से शिक्षक है। रविंद्र सिंह भाटी ने अपना राजनीतिक करियर छात्र संघ चुनाव लड़कर किया। उन्होंने साल 2019 में जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय में निर्दलीय छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव लड़ा और 1294 वोटों से ऐतिहासिक जीत अपने नाम की। उस समय उन्होंने छात्रों के लिए आवाज उठाई और संघर्ष भी किया। छात्रों के हित के लिए भाटी ने लाठी डंडे भी खाए। रविंद्र सिंह भाटी हमेशा से बीजेपी समर्थक थे। यही कारण रहा कि वो बीजेपी से टिकट मांगते थे, लेकिन पार्टी से उनकी बजाय स्वरूप सिंह खर्रा को मैदान में उतारा गया। विधानसभा चुनाव 2023 में भाटी एक बार फिर निर्दलीय मैदान में उतरे और 3950 मतों से भारी जीत अपने नाम की। रविंद्र सिंह भाटी हमेशा से स्थानीय मुद्दे उठाते आए हैं और उनका जनता से सीधा जुड़ाव है। भाटी की खासियत है कि वो स्थानीय भाषा का प्रयोग करते हैं, जिससे आम जनता को अपनापन महसूस होता है। वे कभी भी धर्म जाति की बात नहीं करते हैं और बाड़मेर की पहली पसंद है रविंद्र सिंह भाटी। और ये राजपूती चेहरा है एक बार फिर मैदान में निर्दलीय खड़ा हो चुका है। भाटी लोकसभा चुनाव में बाड़मेर जैसलमेर की हॉट सीट से निर्दलीय खड़े हुए हैं। अब देखना ये होगा कि क्या इस बार भी वो अपना परचम लहरा पाएंगे। बाड़मेर जैसलमेर की हॉट सीट पर कांग्रेस ने इस बार एक अनुभवी नेता को खड़ा किया है। कांग्रेस ने इस बार हाल ही में पार्टी ज्वाइन करने वाले उमेदाराम बेनीवाल को टिकट दिया है। उमेदाराम बेनीवाल राजनीति का एक बड़ा चेहरा है। बेनीवाल ने लोकसभा चुनाव से पहले ही राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी कि RLP को एक बड़ा झटका दिया। जी हाँ, कांग्रेस में शामिल होने से पहले उमेदाराम RLP के सदस्य रह चुके हैं और RLP के राष्ट्रीय संयोजक हनुमान बेनीवाल के खास बताए जाते हैं। उमेदाराम बेनीवाल ने 9 बार बायतू से विधानसभा चुनाव लड़ा, लेकिन जीत उनके नाम नहीं हो पाई। अब लोकसभा चुनाव से पहले ही बेनीवाल RLP छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, जिससे RLP और हनुमान बेनीवाल को बड़ा झटका लगा है। सूत्रों की माने तो उमेदाराम बेनीवाल लगातार PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के संपर्क में थे और कांग्रेस में शामिल होने के बाद भी ये आशंका जताई जा रही थी कि उन्हें ही बाड़मेर जैसलमेर सीट से खड़ा किया जाएगा। बाड़मेर में हमेशा से RLP का दबाव रहा है और उमेदाराम बेनीवाल बाड़मेर के लिए बेहद ही जरूरी चेहरा बन गए हैं। बीजेपी के गढ़ में पार्टी ने बाड़मेर जैसलमेर की हॉट सीट पर कैलाश चौधरी को टिकट दिया है। कैलाश चौधरी लंबे समय से राजनीति से जुड़े हैं। वे छात्र राजनीति से ही सक्रिय हैं। कैलाश चौधरी ने कई आंदोलनों में अपना सहयोग दिया। उन्होंने धरने प्रदर्शन किए और युवाओं की आवाज बनकर उनके हित के लिए लड़ाई भी की। यही नहीं, जरूरत पड़ने पर जनता के हक के लिए उन्होंने विधानसभा का घेराव तक करा। उन्होंने राजनीतिक जीवन की शुरुआत में नगर पालिका का चुनाव लड़ा और उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन निडर कैलाश चौधरी ने बालोतरा में लोगों के हक के लिए कई धरने प्रदर्शन किए, जिसके लिए उन पर कई मामले भी दर्ज हुए। 2004 में चौधरी जिला परिषद के सदस्य चुने गए। इसके बाद 2006 में कैलाश चौधरी ने बाड़मेर के कवास में आई बाढ़ के समय सोनिया गांधी और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। 2013 में कैलाश चौधरी बायतू विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए। साथ ही 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान वे बाड़मेर के सांसद बने और मोदी सरकार ने उन्हें केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री बनाया।
कैलाश चौधरी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए हैं। संघ से उनके घनिष्ठ संबंध राजनीतिक जीवन में महत्वपूर्ण रहे हैं। पिछली बार उन्होंने बाड़मेर लोकसभा सीट से कर्नल मानवेंद्र सिंह को 3.5 लाख वोटों से पराजित कर बड़ी जीत हासिल की थी। अब यही कारण है कि वे बाड़मेर लोकसभा सीट के महत्वपूर्ण प्रत्याशी हैं। बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट इस बार राजस्थान की सबसे दिलचस्प सीट मानी जा रही है। इस बार यहां राजनीति के अहम चेहरों के साथ त्रिकोणीय मुकाबला होने वाला है। तीनों ही उम्मीदवार राजनीति के पक्के खिलाड़ी हैं। अब देखना ये होगा कि बाड़मेर जैसलमेर की जनता किसे सांसद के तौर पर देखना चाहती है। ऐसे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज टाइम्स टुडे को और जुड़े रहिए हमारे साथ।